हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मिस्टर पैडॉक्स और आज हम लोग विस्तार्स का चैप्टर 5 शुड विजिट इट मॉमी की समरी को समझेंगे शॉर्ट में। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर के ऑथर हैं जॉन अपडाइक। हर शाम को और सैटरडे को जैक अपनी बेटी जो को एक कहानी सुनाते थे जो वो खुद से बनाकर बोलते थे। ये कस्टम, ये हैबिट तब शुरू हुई थी जब जो 2 साल की थी और अब इस हैबिट को खुद 2 साल हो गए थे, मतलब 2-4 साल की हो गई थी। जैक अपनी बेटी को जो कहानी सुनाता था उसमें मेन स्टोरी, मेन प्लॉट एक ही होता था जिसमें एक एनिमल मेन कैरेक्टर होता था जिसका नाम होता था रॉजर। रॉजर कोई भी एनिमल हो सकता था, रॉजर फिश, रॉजर स्क्विरल। एनिमल्स अलग अलग होते थे पर नाम और स्टोरी वही रहती थी। रॉजर हर बार अपनी प्रॉब्लम में मदद मांगने के लिए वाइस स्मार्ट आउल के पास जाता था। वो वाइस आउलों से कहता था विजार्ड के पास जाने के लिए। विजार्ड एक मैजिशियन की तरह होता है और विजार्ड उसकी हेल्प कर देता था, पर जब विजार्ड बदले में पैसे मांगता था तो रॉजर के पास हर बार ही पूरे पैसे नहीं होते थे। तो विजार्ड उसे एक जगह बताता था जहाँ पर जाकर वो बाकी के पैसे लाकर उसे दे सकता था। उसके बाद रॉजर के फादर बॉस्टन से ट्रेन से घर आते थे। उसके बाद रॉजर की पूरी फैमिली घर पर डिनर करते थे और स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती थी। बॉबी जो जैक का बेटा और जो का छोटा भाई था, जो 2 साल का था, वो पहले ही सो गया था, पर जो अभी तक नहीं सोई थी। वो पहले की तरह कहानियाँ सुनकर अब नहीं सोती थी, इसलिए उसे कहानी सुनाने का जो ये कस्टम था, जो ये हैबिट थी, वो अब यूज़लेस हो गई थी। हर रोज़ की तरह आज भी जैक अपनी बेटी से पूछते हैं कि आज की कहानी किसके बारे में होनी चाहिए। तो उनकी बेटी कहती है रॉजर स्कंक के बारे में। स्कंक्स नॉर्थ और साउथ अमेरिकन मैमल्स होते हैं जिनमें से बहुत गंदी स्मेल आती है। शायद जो ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि उसने इस एनिमल के बारे में स्कूल में सुना होगा। तो उसके फादर कहानी सुनाना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, घने जंगलों में एक छोटा सा जानवर था रॉजर स्कंक, जिसमें से बहुत गंदी स्मेल आती थी। जब कभी वो खेलने जाता था तब जंगल के सारे छोटे जानवर उसे चिढ़ाते थे। वो कहते थे आ गया रॉजर स्टिंकी स्कंक। स्टिंकी मतलब जिसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है। और सारे जानवर उससे दूर भाग जाते थे, जिसके बाद वो अकेला बैठकर रोता था। जो के लिए काफ़ी शॉकिंग था क्योंकि उसके लिए फ्रेंड्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, और उसका ये जानना कि रॉजर का कोई फ्रेंड नहीं है, ये बात काफ़ी शॉकिंग थी। तभी जो ने कहा कि वो आउल के पास नहीं जाएगा। वो काफ़ी इंटरेस्ट से स्टोरी सुन रही थी तो जैक को अच्छा लगा। फिर उसे नीचे के फ्लोर से चेयर मूव होने की आवाज़ आई और उसे रियलाइज़ हुआ कि उसकी बीवी क्लेयर नीचे लिविंग रूम पेंट कर रही है और उसे उसकी हेल्प के लिए जल्दी जाना चाहिए। फिर जैक ने स्टोरी कंटिन्यू की कि रॉजर स्कंक वाइस आउल को देखने के लिए गया जो कि बड़े ट्री के ऊपर रहते थे। वहाँ पर रॉजर स्कंक ने वाइस आउल को अपनी सारी प्रॉब्लम बता दी और उससे पूछा कि वो क्या करे। तभी बीच में जो ने इंटरप्ट करते हुए कहा कि उसे विजार्ड के पास जाना चाहिए, मगर जैक को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने जो से कहा जो डैड स्टोरी सुना रहे हैं ना, क्या तुम डैड को स्टोरी सुनाना चाहती हो। जो ने कहा नहीं और वो शांत हो गई। जैक ने स्टोरी कंटिन्यू करते हुए कहा कि आउल ने थोड़ी देर सोचा और फिर रॉजर स्कंक से कहा कि तुम विजार्ड के पास क्यों नहीं जाते। फिर जो ने अपने फादर जैक से पूछा डैड जो ये मैजिक स्पेल्स होते हैं क्या वो रियल होते हैं, यानी जो जादू के मंत्र होते हैं क्या वो रियल होते हैं। जैक ने समझा कि ये जो की लाइफ का एक नया टाइम था, एक नया फेज था जो कि रियलिटी फेज था। अब वो लाइफ की रियलिटी को समझ रही थी और अब वो क्वेश्चन भी कर रही थी। जब जैक ने अपनी बेटी को बताया कि स्पाइडर्स बग्स को खाते हैं तो उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा और पूछा सच में। जब जो की मम्मी ने उसे बताया कि भगवान आसमान में रहते हैं तो उसने अपने फादर से पूछा क्या वो सच में आसमान में रहते हैं। जैक ने उसके सवाल क्या मैजिक स्पेल्स रियल होते हैं इसका ये जवाब दिया कि वो कहानियों में रियल होते हैं, और फिर उसने अपनी कहानी कंटिन्यू की। वाइस आउल ने रॉजर स्कंक को बताया कि घने जंगलों में सेब के पेड़ों के नीचे और क्रिक के उस पार, यानी नदी के उस पार, उसे विजार्ड मिल जाएगा। रॉजर स्कंक वहीं पर गया और वहां पर उसे एक छोटा वाइट हाउस दिखाई दिया। फिर रॉजर स्कंक ने दरवाज़ा खटखटाया, विजार्ड ने दरवाज़ा खोला और फिर रॉजर स्कंक से कहा कि तुमसे कितनी गंदी स्मेल आ रही है। रॉजर स्कंक ने कहा हाँ मुझे पता है, इसलिए बाकी जानवर मुझसे दूर भाग जाते हैं।
विजार्ड ने उसकी हेल्प करने के लिए उसे घर के अंदर बुलाया। उसके घर में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप थी, काफ़ी ज़्यादा बिखरी हुई थी, क्योंकि उसके घर में सफाई करने के लिए कोई क्लीनिंग लेडी नहीं थी। जो ने उससे पूछा कि उसके घर में क्लीनिंग लेडी क्यों नहीं थी, तो जैक ने कहा क्योंकि वो एक बहुत बूढ़ा आदमी था। जो ने उससे पूछा क्या विजार्ड्स मरते हैं, तो जैक ने कहा नहीं, वो नहीं मरते। विजार्ड ने रॉजर्स को उससे पूछा कि तुम्हें किसकी तरह स्मेल करना है, यानी तुम क्या चाहते हो, तुमसे कैसे खुशबू आए। तो रॉजर्स कंक ने कहा कि मुझे रोजेस की खुशबू चाहिए। विजार्ड ने अपने मैजिक वॉन्ड, अपने जादू की छड़ी के साथ मैजिक स्पेल्स, जादू के मंत्र बोले, जिससे फाइनली रॉजर्स कंक की खुशबू रोजेस की तरह हो गई। ये सुनकर जो ने खुश होने के नकली एक्सप्रेशन दिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसे स्टोरी पहले से ही पता थी, इसलिए वो स्टोरी में ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी। फिर विजार्ड ने जब रॉजर्स कंक से पैसे मांगे तो उसके पास पूरे पैसे नहीं थे, इस वजह से रॉजर्स कंक रोने लगा। जो ने रोने के एक्सप्रेशन दिए जिसमें कोई सिंसेरिटी नहीं थी, मतलब वो नाटक कर रही थी, क्योंकि उसे स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिससे जैक अनॉयड हुआ, उसे अच्छा नहीं लगा। जब जैक को नीचे के फ्लोर से फर्नीचर के मूव होने की आवाज़ आई तो उसे पता चला कि क्लेयर फर्नीचर मूव कर रही है, और उसने सोचा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो 6 मंथ्स प्रेगनेंट थी। जैक ने स्टोरी कंटिन्यू करते हुए कहा कि विजार्ड ने रॉजर्स कंक से कहा कि वो एक लेन में जाकर, यानी एक स्ट्रीट में जाकर 3 बार घूमे, जिससे उसे पैसे मिल जाएंगे। रॉजर्स कंक ने ऐसा ही किया और उसे पैसे मिल गए, जिसे उसने विजार्ड को दे दिए। फिर वो वापस आ गया और उसकी अच्छी खुशबू की वजह से जंगल के सारे छोटे जानवर उसके साथ खेलने लगे। उन्होंने पिकअप स्टिक्स वाली गेम भी खेली, और जब जो ने पूछा कि ये पिकअप स्टिक्स वाली गेम कौन सी होती है, तो जैक ने जवाब दिया कि ये वो गेम होती है जो स्टिक्स के साथ खेली जाती है। और फिर शाम होते ही सारे छोटे जानवर अपनी अपनी मम्मी के पास चले गए। जो को लगा कि स्टोरी ख़त्म हो गई है, पर जैक को ये बात अच्छी नहीं लगी कि जो इस स्टोरी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है, यानी स्टोरी को लाइटली ले रही है और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। उसने जो से कहा, जो तुम सुन रही हो ना, क्योंकि अभी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। जैक ने स्टोरी कंटिन्यू करते हुए कहा कि जब रॉजर्स कंक अपनी मदर के पास गया तो उसकी मदर ने उससे कहा कि गंदी स्मेल किससे आ रही है, तो रॉजर्स कंक ने जवाब दिया कि मुझमें से आ रही है, अब मुझमें से रोजे जैसी खुशबू आ रही है, और ये सब विजार्ड की वजह से ही हो पाया है। तो रॉजर्स कंक की मदर गुस्सा हो गई और उसने उससे कहा कि हम अभी विजार्ड के पास चल रहे हैं ताकि वो तुम्हें पहले जैसा कर दे। रॉजर्स कंक ने अपनी मदर से कहा कि उसकी स्मेल की वजह से कोई जानवर उसके साथ नहीं खेलता है, फिर भी उसकी मदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और उन्होंने कहा कि रॉजर्स कंक में से वैसे ही स्मेल आनी चाहिए जैसे एक स्कंक में से आती है। रॉजर्स कंक की मदर बहुत गुस्से के साथ विजार्ड के घर गई, और जैसे ही विजार्ड ने दरवाज़ा खोला, उन्होंने अपनी अम्ब्रेला के साथ विजार्ड के सर पर मार दिया। रॉजर्स कंक की मदर का गुस्सा देखकर, उनकी बात मानकर विजार्ड ने फिर से जादू किया, जिससे रॉजर्स कंक की स्मेल पहले जैसे ही हो गई। फिर उसी स्टोरी के हिसाब से ही रॉजर्स कंक के फादर ट्रेन से आए, और फिर उनकी पूरी फैमिली ने साथ में बैठकर डिनर किया। पर जो कहानी के सेंडिंग से खुश नहीं थी, और उसने अपने फादर से पूछा फिर रॉजर्स कंक की प्रॉब्लम का क्या होगा कि उसके साथ कोई भी जानवर नहीं खेलता है। तो फिर उसके फादर जैक ने जवाब दिया कि सभी जानवरों को टाइम के साथ साथ उसकी स्मेल की आदत हो गई, और फिर उसके साथ खेलने लगे। जो ने कहा वो एक स्टूपिड मम्मी थी, तो जैक ने कहा नहीं ऐसे नहीं है। पर जैक को रियलाइज़ हुआ कि वो किसी अजीब सी चीज़ पर बहस कर रहा था, किसी अजीब सी चीज़ को डिफेंड कर रहा था। फिर जैक ने उससे सोने को कहा, और जैसे ही वो वहाँ से जाने वाला था, जो ने कहा कि डैड कल आप मुझे एक ऐसी स्टोरी सुनाना जिसमें जो विजार्ड है वो उस मम्मी को हिट करेगा, मारेगा। तो जैक ने कहा नहीं, ये स्टोरी नहीं है, पॉइंट ये है कि रॉजर्स कंक अपने दोस्तों से ज़्यादा अपनी मम्मी को प्यार करता था, और उसकी मम्मी जानती थी कि उसके लिए क्या सही है। मगर जो ने फिर से कहा नहीं, आप मुझे वही वाली स्टोरी सुनाना, तो जैक ने कहा हाँ हम कल देखेंगे, अभी तुम सो जाओ। जब वो नीचे वाले फ्लोर में गया तो उसे अपनी वाइफ क्लेयर को लिविंग रूम को पेंट करते हुए देखा। जब जैक को ऊपर वाले फ्लोर से फुटस्टेप्स की आवाज़ आई, चलने की आवाज़ आई, तो उसने जो को डांटा, जिससे फुटस्टेप्स शांत हो गए। फिर जैक की वाइफ क्लेयर ने उससे कहा, काफ़ी लंबी स्टोरी थी, तो जैक ने जवाब दिया पुअर किड, यानी बेचारी बच्ची, और फिर वो थक भी गया था। जैक ने अपने आप को एक अगली मिडिल पोजीशन में होना महसूस किया, क्योंकि वो जो को अपनी स्टोरी से एक अच्छा मैसेज देना चाहता था कि बड़े जो डिसाइड करते हैं वो बच्चों के लिए अच्छा ही होता है, और मम्मी जो डिसाइड करती हैं वो बच्चों की भलाई के लिए ही होता है। पर उसकी स्टोरी ने जो को एक गलत मैसेज दे दिया था कि मम्मी भी गलत डिसाइड कर सकती हैं,
मम्मी भी गलत हो सकती हैं और मम्मी को मारा भी जा सकता है। साथ ही उसकी हेल्प भी करना चाहता था, मगर स्टोरी में बिजी होने की वजह से उसकी हेल्प भी नहीं कर पाया था। साथ ही वो अगली मिडिल पोजीशन में फंसा था एक एडल्ट के पर्सपेक्टिव और एक बच्चे के पर्सपेक्टिव के डिफरेंस की वजह से। एक एडल्ट का पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू और एक बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, और ज़रूरी नहीं कि वो एक दूसरे से एग्री करें, और इसी डिफरेंस में जैक फंस गया था। चैप्टर में इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, उनमें से पहली थीम है एक बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू। एक बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू और एक एडल्ट का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, और ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा बड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्प्लीटली एग्री करे और उनकी सारी बातों को बिल्कुल सही समझे। रॉजर स्कंक की मदर का रॉजर स्कंक की स्मेल को वापस लाना जैक के लिए बिल्कुल सही था, मगर जो के लिए ये बिल्कुल गलत था। दूसरी इंपॉर्टेंट थीम है कि हम ओरिजिनली जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, और हमें दूसरों के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे रॉजर स्कंक की मदर के हिसाब से रॉजर स्कंक की ओरिजिनल स्मेल अच्छी है, क्योंकि वो ओरिजिनली ऐसा ही है, भले ही उसके दोस्तों को ये अच्छा ना लगे। तीसरी इंपॉर्टेंट थीम है कि जो पेरेंट्स हमारे लिए डिसाइड करते हैं कि वो हर बार हमारे लिए सही होता है। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, और वो चाहते हैं कि बच्चे उसी बात को सही माने जिसे वो सही मानते हैं। इससे उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू उसमें डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं। बड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो चीज़ सही है, ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी सही हो, क्योंकि बच्चे सही चीज़ के बारे में और जानना चाहते हैं।